वाड़ी के वेल ट्रीट अस्पताल पर तीसरे दिन भी पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त रहा। रविवार को सांसद कृपाल तुमाने ने अस्पताल को भेंट कर जायजा लिया। पीआई प्रदीप सूर्यवंशी को जांच के आदेश दिए व इस संदर्भ में सांसद ने पूछताछ की। अस्पताल में मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। वह कहा कि अस्पताल में लगी आग व चार मृतकों की कड़ी जाँच कर दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के आदेश उन्होंने दिए। सांसद तुमाने ने बताया कि जिले के सभी अस्पतालों का फायर ऑडिट करने की मांग की गई। इस मौके पर शिवसेना तालुका प्रमुख संजय अनासे ने युवा सेना प्रमुख हर्षल काकड़े के नेतृत्व में सांसद कृपाल तुमाने को ज्ञापन सौंपा। वो वाड़ी में 100 बेड का सरकारी अस्पताल निर्माण करने की मांग की। सांसद ने इस पर कहा कि अस्पताल के संदर्भ में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात कर निधि को उपलब्ध कराते हैं। केवल अस्पताल की जगह नगर परिषद ने उपलब्ध कराने को कहा। एक दुखदायक घटना है कि ज्या दवाखान्यामध्ये कोरोना पेशंटची टेस्ट आणि त्याचा उपचार सुरू होता त्या ठिकाणी ही आग लागली। आगीचं कारण स्पष्ट झालेलं नाही, परंतु शॉर्ट सर्किटमुळे झाली असावी अशी शंका आहे आणि त्यामध्ये चार लोकांचा मृत्यू झालेला आहे। आणि या प्रकारे जे हॉस्पिटल्स आज नागपूर शहरात किंवा जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे त्या दवाखान्यांमुळे त्याचं फायर ऑडिट होत नाही, कोणतेही ऑडिट करत नाही। जो आला तो अशा पद्धतीचे आपले दवाखाने उघडून पैसे उकळण्याचं काम या ठिकाणी करतात आहे। आणि हे काम करत असताना डॉक्टरांनीसुद्धा एक प्रकारे काळजी घेतली पाहिजे की आपल्याकडे सर्व सुविधा असाव्या। मागच्या दरवाजांनी किंवा मागे एक जिना असला पाहिजे। कोविड नॉट कोविडचे पेशंट वेगळे ठेवायला पाहिजे। ज्या गाईडलाईन केंद्र सरकारनी आणि राज्य सरकारनी घालून दिलेल्या आहेत त्याची अंमलबजावणी व्हायला पाहिजे। मी प्रशासनाला परवाच मागणी केलेली आहे की नागपूर जिल्ह्यातील सर्व दवाखान्याचं फायर ऑडिट होणे गरजेचं आहे आणि त्या ठिकाणी देत असलेल्या सुविधेचंसुद्धा पुनर्तपासणी करण्याची गरज आज ही मोठ्या प्रमाणामध्ये। वाड़ी में जो दुर्घटना हुई इस पर दुख जताया। युवा सेना के हर्षल काकड़े ने बताया कि वाड़ी में सरकारी अस्पताल की मांग इसके पहले भी की गई है। वेल ट्रीट अस्पताल को बंद कराने के लिए राजेश भगत मुख्याधिकारी थे, तब प्रस्ताव लिया गया लेकिन उनकी बदली हो गई। वेल ट्रीट मामले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी हर्षल काकड़े ने की। 2015 मध्ये हॉस्पिटलला एनओसी दिली आहे अशी आम्हाला माहिती दिली होती आणि त्या माहितीचा अहवाल जेव्हा आम्ही सादर करा म्हटलं तेव्हा आम्हाला ती एनओसी हॉस्पिटलच्या माध्यमातून माहीत पडलं की एनओसी दिली होती। पण अशा बऱ्याचशा फक्त आवाज उचलायचा विषय असा होता की हा कोरोनाचा जो वेळ आहे 2020 पासून मार्च महिन्यापासून सुरू झाला आहे त्यापासून जे पेशंट्स रोज आम्हाला आता आम्ही नगरसेवकाच्या नात्याने आम्हाला रोज 10 ते 12 पेशंटचं जशी परिस्थिती नागपूर शहरात आहे येत राहते की आम्हाला हॉस्पिटल्स पाहिजे, आम्हाला बेड्स पाहिजे आणि अशा भावनात्मक विषयामध्ये आम्ही सुद्धा कुठेतरी मजबूर होतो की राजकारण करायची आणि ही वेळ नाही आहे। म्हणून या वेळेपर्यंत कोरोनाची वेळ निघाल्यानंतर आम्ही सुद्धा वेलट्रीट हॉस्पिटलमध्ये एक चांगला मोर्चा शिवसेनेकडनं काढणार होतो आणि वेलट्रीट हॉस्पिटलचा जे पण काळा बाजार जो अजून सिद्ध नाही झाला। वही तालुका प्रमुख संजय अनासने ने अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कोविड सेंटर नहीं होने के बाद भी डॉक्टर राहुल ठवरे ने कोरोना का इलाज कैसे किया, कोरोना से ही मृत्यु हुई लेकिन इसे छुपाने के लिए आग लगाई गई। इसकी जांच इस दिशा में पुलिस ने करने की मांग अनासने ने की। आगे कहा कि वाड़ी 1 लाख जनसंख्या वाला शहर है, यहाँ पर सरकारी अस्पताल होना अत्यंत जरूरी है। अब वाड़ी में सरकारी अस्पताल नहीं बना तो शिवसेना आंदोलन करने की चेतावनी भी अनासने ने दी। या हॉस्पिटलबद्दल सांगायचं झालं तर खूप काही आहे। या हॉस्पिटल जेव्हापासून इथे चालू झालेलं आहे तेव्हापासून या हॉस्पिटलला काही ना काहीतरी ग्रहण लागल्यासारखंच असं म्हटलं तरी चालेल, कारण की बऱ्याचदा इथे असे अनैतिक प्रकार घडलेले आहेत। साध्या मी मागेसुद्धा या हॉस्पिटलच्या विरोधात कारवाईकरिता आवाज उचललेला होता, त्यामध्ये मी एडीओ साहेबांना तहसीलदार साहेबांनासुद्धा आणि इथल्या ज्या याचे डॉक्टर आहेत डायरेक्टर
राहुल ठोरे यांना सुद्धा मी तहसील ऑफिसला बोलवलेलं होतं। इस दौरान युवा सेना जिल्हा प्रमुख हर्षल काकडे, विधानसभा संघटक संतोष केचे, तालुका प्रमुख संजय अनासने, उप तालुका प्रमुख रूपेश झाडे, युवा उप जिल्हा प्रमुख विजय मिश्रा, विलास भोंगळे, अखिल पोहनकर, क्रांति सिंह, सचिन बोमले, शरण सूद, मोहित कोटे, खडेकर, नरेश मसराम, कैलाश मालोदे, भाऊराव रेवतकर उपस्थित थे। पुलिस परिवार के बयान दर्ज कर रही है। वेल ट्रीट अस्पताल मामले में वाड़ी पुलिस जांच कर रही है। मृतक व उपचार लेने वाले परिवार के बयान दर्ज कर रहे हैं। अस्पताल में लगी आग का भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जो दोषी पाएंगे उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। यह जानकारी PI प्रदीप सूर्यवंशी ने दी। हादसे में परिवार के लोगों के फाइल्स, कुछ सामग्री, पर्स अस्पताल में ही है, जिसके कारण लोगों को परेशानी हो रही है। उसे वापस करने की मांग परिवार के लोगों ने पुलिस को की। BCN न्यूज के लिए वाड़ी से सौरभ पाटिल की रिपोर्ट।